दो चीज़, पहली तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और यू नो बहुत रिलेटेबल था, किसी को भी हो सकता था एंड दैट वाज वेरी नाइस. एंड दूसरी है कि राखी की डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने, शी हैज़ मेड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन सरोगेसी, सरोगेट मदर्स. तो आई थॉट वो उनकी चॉइसेस एज अ फिल्म मेकर, द वे दैट शी शूट्स इज वेरी रियलिस्टिक एंड इट मैच द स्क्रिप्ट अ लॉट. सो दोज वर द रीजंस आई वांटेड. योर फर्स्ट बॉलीवुड कैमरा लुक, सो हाउ इज द होल एक्सपीरियंस वर्किंग विद सी एंड क्या क्या सीखा आपने पहली बॉलीवुड मूवी से? बहुत कुछ सीखा कल की से तो, और लेकिन हिंदी नहीं. ब्रैडन की जो हुआ था हाँ बस यही था. इट वॉज अ रियली रियली इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. कल्कि इज़ अ थर प्रोफेशनल, सो दैट यू आई मीन आई रियली रिस्पेक्ट दैट, यू नो. एंड शी इज़ अ रियली पॉपुलर स्टार, शी इज़ एन एक्टर एंड यू डोंट फील दैट व्हेन यू वर्किंग विद हर. तो वो तो बताया ना अभी राखी ने, वो रिबन एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को साथ में बांधता है, रिश्ते को साथ में बांधता है. कभी कभी रिश्ते निभाते समय आपको रिबन खोलना पड़ता है, थोड़ा ढीला करना पड़ता है, फिर वापस टाइट करना पड़ता है. तो उसका एक बड़ा सिंबॉलिक वो मतलब है. कल की जैसे सुनील ने तो बताया, कल की आई मीन या इट्स चैलेंजिंग टू गो थ्रू, यू नो. आई हैव नॉट बीन अ मदर ऑब्वियसली, तो द होल लाइक प्रेगनेंसी थ्रू टू चाइल्डहुड, चाइल्ड बर्थ, गिविंग बर्थ, हैविंग अ बेबी, all of that. I did a lot of research, itni research ki ki meri emails mein, you know, Google figures out what are your priorities, to bachcho ke plans ke emails aate the and all this. I found out so many details about pregnancy and birth and all of that, so it was a lot of interesting details I learned. Now makes me very terrified of birth but it's also beautiful and I think yeah. कल की जैसे सुमित ने बताया कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा, तो आपने इनसे कुछ सीखा है? हाँ, हिंदी. हाँ, मी की और का. ही वॉज ऑलवेज फिक्सिंग माई कीज एंड कार्स एंड देन वट. आई थिंक ही इज़ अ वेरी एक्चुअली रिलैक्स्ड एक्टर ऑन सेट, वेयर्स आई एम काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस करती हूँ. अरे रिहर्सल करना है, अरे प्रैक्टिस करते हैं, अरे. एंड ही इज जस्ट लाइक या इट विल बी गुड, इट विल बी फाइन, यू नो. सो दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न. अगर जैसे आपके प्रीवियस मूवी की रोल की बात करें, जिंदगी नाम ली दोबारा, जिया जी आपकी पिक्चर आई है, सब लाइफ बेस्ड कंटेंट मूवी की है, सब किरदार आपके जो लाइफ पर्दे पे दिखाते हैं, इज दैट यू कनेक्ट टू योर रोल? लाइफ के अलावा हम क्या बात करेंगे, हम लाइफ के बारे में ही कहानियाँ बताएंगे आई थिंक ना. आई मीन सम वे और द अदर वी वांट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर, व्हिच इज व्हाई वी गो एंड वॉच थिएटर और सिनेमा. आई फील टू टेल गुड स्टोरीज दैट वी कैन रिलेट टू, तो वो रिलेटेबिलिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. और आज के ज़माने में लोग देखना भी चाहते हैं वैसा चीज़. अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, रियलिटी शो देख रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू सी द रियल स्टफ, दे वांट टू सी द रियल स्टोरी, द रियल उस किस्म की परफॉर्मेंस इन्जॉय करते हैं. 90s में खास किस्म की थोड़ी यू नो ओवर द टॉप परफॉर्मेंस इन्जॉय करते थे, आज की डेट में लोग बड़ा रियलिस्टिक परफॉर्मेंस इन्जॉय करते हैं. तो वी आर एज एन ऑडियंस ऑल्सो वी आर ग्रेजुएटिंग टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट.